नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क, आज पंकज अग्रवाल प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद को आमंत्रित किया है। और ऑफकोर्स जैसे आप लोग सब जानते हैं कि कैसे कोरोना से हम लोग सब लड़ रहे हैं। एंड हमारे भिवाड़ी में, भिवाड़ी एक छोटी सी जगह भी है और यहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड नहीं थे। तो कैसे पंकज अग्रवाल जी आउट ऑफ द वे गए, मैनेज किए लॉकडाउन के दौरान? हाउ डिड ही मैनेज हेल्पिंग द हॉस्पिटल्स टू गेट अ वेंटिलेटर? इनसे पूछते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और डोनेशन में भी इनको क्या प्रॉब्लम्स आए। तो सबसे पहले पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते, थैंक यू। और अब आप बताइए कि लॉकडाउन 22 तारीख को हो गया था और सडन भी था जी, एंड आप भी जानते हैं कि भिवाड़ी छोटी जगह है और ऐसे जो प्रॉब्लम है कभी भी नहीं आई थी किसी के लिए। हम लोग तो अपने बचपन में कभी ये सब नहीं देखे, लॉकडाउन वगैरह। तो अचानक जब आपको पता चला कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आई वुड लाइक टू नो कि आपने कैसे अरेंज किया, बिकॉज एक तो वेंटिलेटर्स मिल भी नहीं रहे हैं और बहुत डिफ़िकल्ट है, तो और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो पहले तो आपने फंड्स कैसे अरेंज किया, दूसरी बात आप वेंटिलेटर कहाँ से अरेंज किए, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले ये बात तो ये है कि जब ये जो विपदा हमारे पर आई है, तो चूँकि ये वैश्विक रूप से आई है, तो हमें पहले सबसे पहले अपने मनों में बहुत धीरज और बहुत धैर्य रखना चाहिए कि केवल हमारे ऊपर ही नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ, जब ये इंसान के सभी के ऊपर आई है पूरी दुनिया में, तो इसको हम अपनी हिम्मत से और अपने जज्बे से और अपने विद्वता से, अपनी काबिलियत से इसको हम लड़ें और इसको दूर करें, और ना केवल हमारे अपने लिए बल्कि इस हमारी कुछ पूरी दुनिया से ये बीमारी को हम दूर करें, तभी हम इसमें सफलता कुछ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसी विषय में जैसे आपने मुझसे पूछा कि हमने भारत विकास परिषद ने इसमें क्या किया, तो बताना चाहूँगा मैडम कि जैसे ही ये इसकी शुरुआत हुई, लॉकडाउन की बात आई, तो जैसे कि हम आप जानते हैं भिवाड़ी में सभी संस्थाएं बहुत एक्टिव हैं और हमेशा इस तरह की विपदाओं में सामने आती हैं, तो इसी क्रम में प्रशासन ने एक सबसे पहले एक मीटिंग कॉल की थी नगर परिषद के कार्यालय में, जिसमें कि सारी संस्थाएं भी और सरकारी डिपार्टमेंट से लोग, हमारे नगर परिषद के कमिश्नर साहब, डिप्टी एसपी साहब, एसपी साहब, बीडा के सीईओ साहब, सभी गवर्नमेंट मशीनरीज, तहसीलदार साहब और जो हमारी सारी संस्थाएं हैं भिवाड़ी में, जो सेवाभावी संस्थाएं हैं जी, वो सभी के लोग थे। तो यही एक विचार किया गया था कि कौन किस तरह से क्या करे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मामले में, इस विषय में, मैं भिवाड़ी में सभी को, हमारी सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बड़ा साधुवाद और बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि सभी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए और अभी तक तो ये समस्या को अपने ऊपर हमने हावी नहीं होने दिया है। सभी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ कर, जैसे कि फूड पैकेट्स हो गए और बना बनाया खाना हो गया, कच्चा एक पैकेट्स हो गए फूड के, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जन जन तक पहुँचाए जा रहे हैं, झुग्गी झोंपड़े तक पहुँचाए जा रहे हैं, लेबर तक पहुँचाए जा रहे हैं, जो रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति हैं उन तक पहुंचने की सब कोशिश कर रहे हैं, किसी की कोई कोशिशों में, प्रयासों में कमी नहीं है जी। रहा भारत विकास परिषद, तो चूंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारा इस तरह का कोई बजट तो होता नहीं है जी। और ना ही हमारे कैलेंडर में शामिल होता है, पर चूंकि जब अचानक जो आई विपदा होती हैं, तो इन विपदाओं में हमेशा आप महसूस करेंगे कि ईश्वर कोई ना कोई ताकत भी देता है उनसे लड़ने के लिए जी। हमारे परीक्षा के रूप, हमारी परीक्षा लेते हैं उस रूप में, हमें कोई ना कोई शक्ति भी देते हैं। तो हमने परिषद में ही एक हमने जूम मीटिंग की थी, जूम ऐप के द्वारा मीटिंग की थी जी जी, क्योंकि सरकार की ये गाइडलाइंस का पालन भी करना था कि मीटिंग के लिए हमें इकट्ठा नहीं होना है। वेरी गुड। तो हमने कार्यकारिणी ने, सबने, कुछ लोगों ने, गणमान्य लोगों ने जूम पे मीटिंग की, ठीक है हम थोड़ा सा नज़र रखते हैं कि भिवाड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता है जी। तो हमने महसूस किया मैडम कि हमारे बहुत सारी संस्थाएं भिवाड़ी में आगे बढ़ के फूड्स में तो कोई कमी नहीं आने दे रही हैं जी। मैं एक एक संस्था का नाम कहाँ तक गिनाऊँ, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आज भिवाड़ी में हमारे लेबर क्लास को या ज़रूरतमंद लोगों को कोई खाने की, किसी भी तरह की, कच्चे खाने की या पक्के खाने की कमी है जी। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो मेडिकल्स कि जो इसमें जो हमारे डॉक्टर्स सब जूझ रहे हैं इस समस्या से, जो जूझ रहे हैं, तो चूंकि गवर्नमेंट के पास सब अपने बजट होते हैं, उस तरीके के बजट होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो हमने कहा कि जो डॉक्टर्स हमें बचाते हैं, जो एक एक पेशेंट को
सौ सौ पेशेंट्स को एक एक डॉक्टर बचाते हैं, वो डॉक्टरों की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस वक्त पे हमें उनके लिए आगे आना चाहिए। तो हमने उस तरह से देखा कि कुछ इस तरह से कुछ सोचें कि जिसमें डॉक्टर्स को भी हेल्प मिले और साथ में इस पेशेंट्स को भी हेल्प मिले। तो हमने डिसाइड किया एक वेंटिलेटर की यहाँ पे कमी है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूर है लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तक वेंटिलेटर नहीं है मैडम। तो ये जब महसूस किया तो हमने कुछ डॉक्टर से अपने एडवाइस भी ली, तो लगा कि ठीक है इसको हम वेंटिलेटर को अभी वैसे भी डिमांड है इस बीमारी में, तो खासकर वेंटिलेटर बहुत काम आते हैं, पेशेंट को जो सपोर्ट मिलता है इसी से मिलता है, और भगवान ना करे काम आए लेकिन उसकी तैयारी तो रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी तो रखनी पड़ती है। तो टच वुड, अभी तो खैर भिवाड़ी में एक भी केस नहीं है, पॉजिटिव केस नहीं है, सो भिवाड़ी इज रियली सेफ, बट फिर भी वेंटिलेटर की तो जरूरत आगे भी आ सकती है। हाँ, आगे भी आ सकते हैं, संसाधन है तो कभी भी काम आ जाते हैं। तो इस विषय में फिर हमने क्या किया कि जैसे जब ये बना ये सारा सिस्टम, तो इसी बीच हमारे जो हमारे माननीय विधायक जी हैं श्री संदीप यादव जी, उन्होंने भी हमको आह्वान किया कि एक हमें सरकारी तौर पे एक वेंटिलेटर, ये एक क्या बल्कि उन्होंने दो की बात की थी कि दो वेंटिलेटर की आवश्यकता है, और तेजारा में इसका एक सेंटर बनाया जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर। अच्छा। इसमें पूरा एक टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर बना के बेड लगा के और सब उसमें इक्विप्ड उसको किया जा रहा है। अच्छा। तो उनके आह्वान पे और हमने उसको डिसीजन लिया और हमने सोचा कि ठीक है हम वेंटिलेटर का ही अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये कि जैसे आपने पूछा कि इस समय बहुत प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि भारत विकास परिषद में हमारे बहुत सारे सदस्य भिवाड़ी के गणमान्य डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। एक नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो हमने कंसेंट किया, हमने सलाह की, तो हमारे जैसे डॉक्टर्स ने इसका अरेंजमेंट भी करके दिया है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर रूप सिंह जी हैं, डॉक्टर राजेश चौधरी जी हैं, डॉक्टर गोपेश बंसल हैं, डॉक्टर राकेश सोनी हैं। ये दिल्ली से अरेंज कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली से अरेंज कर रहे हैं और उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, क्योंकि वो गाड़ी लेके आएगी, तो वो सब उन्होंने उसको टेक्निकली भी अप्रूव किया है। यू विल बी अप्रिशिएट कि उन्होंने पहले उसको टेक्निकली अप्रूव किया है कि वेंटिलेटर कितना वो हमें हेल्पफुल रहेगा और कितने उसका टेक्निकली कितना वो अच्छा है या कितना कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, वो सब उन्होंने अप्रूव करके हमने उन्हीं के थ्रू इसको हमने रखा है। चूँकि हमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज तो ये डॉक्टर्स को ही होती है इसकी, तो हमारे सदस्य बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, एकदम हाईली एजुकेटेड हमारे सब ये लोग हैं, इन्होंने ये डिसीजन कराया है। और इसका आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑर्डर हो चुका है। अच्छा जी। इसका ऑर्डर भी हो चुका है और ये कल संभवतः कल बैंक ओपन होंगे तो कल इसकी पेमेंट जाएगी और कल ये डिस्पैच हो जाएगा, तो मैक्सिमम परसों या और एक दिन बाद ये आ जाना चाहिए। तो पंकज जी, ये जो वेंटिलेटर आएगा वो हमारे भिवाड़ी के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगा या सीधे तिजारा जो हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया है वहाँ चला जाएगा? जी, हमने इसकी प्लानिंग मैडम इस तरीके से की है हमारे माननीय विधायक जी के साथ में, क्योंकि अभी इस तहसील के जो एक बना के सेंटर जो बनाते हैं तहसील के हिसाब से, अभी तिजारा में एक आइसोलेशन सेंटर जो बनाया जा रहा है, तो एक बारी तो ये सीधे तिजारा जाएगा। अच्छा। और तिजारा भिवाड़ी कोई दूर नहीं है। नहीं नहीं। तो इसलिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि अभी उसके तुरंत बाद जब ये विपदा हमारी खत्म हो जाएगी, जब ये हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी कोरोना, तो उसके तुरंत बाद फिर ये भिवाड़ी के CSC हॉस्पिटल में उसको हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा। तो यहाँ पर भी अभी तक है नहीं वेंटिलेटर, तो ये आ जाएगा। बट पंकज जी, जैसे वेंटिलेटर का जरूरत तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना नॉर्मल लाइफ एंड भिवाड़ी जैसे सिटी में, तो कम ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब कौन इसके बाद इसका देखभाल करेगा? बिकॉज यू नो ये इतनी एक्सपेंसिव मशीन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी शायद 7-8 लाख का पड़ा है, नॉट टू श्योर बट अप्रॉक्सीमेटली यही लाखों रुपए की कीमत का है। तो मतलब इसका मेंटेनेंस या कौन इसको प्रॉपरली यू नो देखभाल करेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। चूँकि अब देखिए, हम जब ये सामाजिक जिम्मेदारी किसी को दी जाती है अध्यक्ष होने के नाते, जब हमारे पास डोनेशन के पैसे आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस पैसे का कहीं भी मिसयूज़ नहीं हो। और एक एक रुपया, एक एक रुपया एक एक करोड़ों के बराबर होता है, परिश्रम से कमाया हुआ धन होता है। तो हमने उसकी प्रॉपर पूरी प्लानिंग करके हमने पहले इसकी ज़रूरत को समझा, जैसा आपने पूछा, ज़रूरत इसकी होती है बहुत सारे केसेस में, और चूँकि अभी तक सरकारी अस्पताल में नहीं था तो उन पेशेंट्स को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूर मिल जाता है थोड़ा फ़ायदा, लेकिन अभी तक सरकारी अस्पताल में इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो ये पहले ही आएगा यहाँ पे, तो उस तरह से ज़रूरत तो उसकी है पहली बात। दूसरी बात, जब आपने मेंटेनेंस की बात उठाई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी गोपीनाथ हॉस्पिटल से, हमने उनसे कमिटमेंट लिया है उसको मेंटेन गोपीनाथ हॉस्पिटल करेगा। अच्छा। इवन कि मतलब जैसे आज सरकारी अस्पताल में जो आज टीम काम कर रही है वो ठीक है, उसको मेंटेन करेगी, लेकिन चूंकि एक
सरकार की एक प्रक्रिया होती है, ट्रांसफर होते रहते हैं, मान लिया नए लोग आते हैं तो उनको नए लोगों की ट्रेनिंग भी गोपीनाथ हॉस्पिटल करेगा हमेशा। अच्छा, जब भी कोई नए लोग आएंगे वो जो वेंटिलेटर चलाना नहीं जानते हैं या उसको रन करना नहीं जानते, उसकी प्रॉपर बीच बीच में ट्रेनिंग भी गोपीनाथ हॉस्पिटल से की जाएगी। अच्छा। और साथ साथ उसको मेंटेन भी गोपीनाथ हॉस्पिटल से किया जाएगा, जो हमारे भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ये तो आप बहुत अच्छा हुआ कि आपने फ्यूचर का भी सोच के प्लानिंग किया है कि कौन इसका मेंटेन करेगा। अच्छा पंकज जी, ये बताइए दैट व्हाट अदर कंट्रीब्यूशन हैज भारत विकास परिषद डन इस दौरान भिवाड़ी के लिए? क्या आप लोग फूड सप्लाई फूड में भी थे या पीपी? देखिए अभी तक हम फूड में हमें जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि आप भी सब महसूस कर रहे हैं कि फूड अभी बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मुझे कहीं खुद भी कमी नज़र नहीं आ रही है। हमारी बीएमए जैसी संस्था, रोटरी क्लब जैसी संस्था, बीसीसीआई जैसे और पंजाबी सभा, गुरुद्वारा समिति, मैं कहाँ तक नाम लूँगा, बहुत सारे संस्थाएं और भी जिनका मैं नाम लेना नहीं ले पा रहा हूँ, लॉयंस क्लब है, जो सब कर रहे हैं इस कार्य को। तो हमने एक नज़र बनाए हुए हैं कि जब कभी भी ऐसी कमी महसूस होगी तो हमने उसके लिए भी एक फंड्स रखे हुए हैं। अब ये मेरे को बताइए, जैसे ये तो आपके कैलेंडर में नहीं आता, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह ये तो कभी भी हो सकता है, तो और ये हो गया मतलब, तो इस समय आप कैसे यू नो फंड्स कैसे जनरेट करते हैं? क्या आपका मीडियम है, मेथड है, पॉलिसीज हैं, कैसे आप फंड को जनरेट? देखिए ये तो एक बहुत ही मतलब एक ईश्वर की कृपा ही हुई है कि इस तरह के फंड तो हमारे पास होते नहीं हैं, पर इमीडिएट बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसके स्पेशली फंड इकट्ठे हो गए हैं। कैसे हो गए कि देखिए ये ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि हम सोच ही रहे थे कैसे करेंगे क्या करेंगे, इस बीच हमारे ही परिषद के हमारे भारत विकास परिषद में हमारे विकास रत्न भी होते हैं, तो हमारे एक विकास रत्न प्रवीण शर्मा जी हैं भाई साहब हमारे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी और बोला पंकज जी अब आगे बढ़ो और सब मिलजुल के करेंगे, और उन्होंने मेरे को थोड़ा हिम्मत इस बात की बनाई और हमें थोड़ा आगे का रास्ता दिखाया और काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दे के उन्होंने ये हमारी शुरुआत कराई। फिर मैंने देखा कि प्रवीण जी ने आह्वान किया और इस ये एक तरह से कारवां बनता चला गया, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने बहुत ही जल्दी हमने इसके पैसे जुटा लिए। और इसमें एक बहुत विशेष बड़ा योगदान मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे परिषद के सदस्य श्री संजय टोडी साहब हैं जो भिवाड़ी की बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी फेडरल मोगल में कार्यरत हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत जिम्मेदारी से अपने कार्य करते हैं, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया। तो फेडरल मोगल के हमारे प्लांट हेड साहब हैं राकेश कुमार जी, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी हेल्प की इसमें। अच्छा। एक उन्होंने काफ़ी बड़ी हेल्प हमें की है इसमें, तो ये उन्होंने फिर हम पे विश्वास करके हमें ये पैसे सौंपे हैं। और फिर बताना चाहूँगा कि हमारे परिषद के सदस्य कहीं भी कोई भी सदस्य इसके लिए पीछे नहीं हटा, उसके हमारी इस फीस के अलावा उन्होंने सब ने इसका एक सेपरेट हमने इसकी पॉकेट एक अलग बनाई। अच्छा। एक अलग पॉकेट बना के और हमने किसी ने 1100 2100 5100 मतलब जितना भी श्रद्धा अनुसार पैसा पूरा होता चला गया। और मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि यू विल बी अप्रिशिएट कि मैंने इसके लिए ना ही तो मैं घर से बाहर निकला हूँ, हमारे कार्यकारिणी के कोई भी व्यक्ति इसके लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं, हमने गवर्नमेंट नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए आपने ये कंट्रीब्यूशन फंड्स को जनरेट किया। ये तो बहुत बड़ी चैलेंज था इस समय कि कैसे करना है इसको, तो हम घर से निकले बिना और हमने बस फोन भी नहीं किया, मैंने फोन कॉल भी किसी को नहीं किए, व्हाट्सएप के जो हमारे जो राइटिंग मैसेज होते हैं उसी पे इतना हमारा पैसा ये इकट्ठा होता चला गया। थैंक यू वेरी मच। तो वही बात है कि ईश्वर हमारी मदद करता है जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे इस तरह से अरेंजमेंट भी हो गया पैसे का और अभी मैंने आपको बताया कि कल परसों आने वाला है। तो पंकज जी एक और क्वेश्चन, आई मीन अब हम रैप अप भी करेंगे बिकॉज टाइम हो गया है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लॉकडाउन ने कितना इंडस्ट्री को हिट किया है? देखिए मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं गैस एजेंसी और लुब्रिकेंट्स का बिजनेस चलाता हूँ, पर हाँ ठीक है मेरा जो बिजनेस है 100% इंडस्ट्रीज पे ही हमारा सब डिपेंड करता है, तो इंडस्ट्रीज को तो नो डाउट बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये, कि मतलब अनबियरेबल लॉसेस हुए हैं जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कब तक ये उभरेंगे इंडस्ट्रीज, कब तक उभरेगी, किस तरह से उभरेगी, उस पर सरकार को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू टैक्सेस भिवाड़ी से जाता है राजस्थान गवर्नमेंट को, तो स्पेशली उनको भिवाड़ी का तो ध्यान देना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोजगार भी यहाँ पे मिलते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ये भी खराब ही हुई कि काफी पलायन भी हो गया मजदूरों का और लेबर का, पता नहीं वो लोग कब तक आएंगे, कैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो ये एक है बहुत बड़ा एक समस्या हुई है मेरी नज़र में, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार आपके लिए ऐसा क्या करे, कुछ आप सजेशन दे सकते हैं? बिकॉज आई होप कि कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, मे बी वो ये सोच सकता है एंड इनकल्केट कर सकता है अपने उसमें
देखिए बहुत कम दरों पे, ब्याज की बहुत कम दरों पे अच्छी इंडस्ट्रीज़ को, अच्छे बिजनेस को फंड्स अवेलेबल कराए सरकार, स्पेशली इसमें राहत देते हुए जो कोरोना वायरस का हमें दिक्कत प्रॉब्लम आई है, तो उस तरह की फंड्स अवेलेबल कराए और कुछ जो टैक्सेस की लाइबिलिटीज़ हैं उस पर पेनल्टी या इंटरेस्ट ना लगाए। ठीक है, मूलधन तो जरूर लें जो उसका ओरिजिनल पैसा है, बट इंटरेस्ट की शेप पे नहीं ले, कम से कम 6 महीने उसको रिलीफ करें। कुछ फिक्स फंड्स होते हैं रिको के और सबके, कुछ फिक्स फंड, फिक्स एक्सपेंसेस, कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट वेवर दे, इस तरह से मैं चाहूँगा। और चाहूँगा कि इसी के साथ ये जो हमारी कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी से हमने हम इंसान इससे एक सबक लें, चलते चलते मैं बोलना चाहता हूँ कि कम से कम एक संकल्प प्रकृति के विषय में भी इंसान ले कि मैं इस प्रकृति के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति ने अभी हमें पिछले 10-15 दिन में दिखाया है कि प्रकृति होती क्या है। आज भिवाड़ी का जो हम प्रदूषण देखते हैं तो बिल्कुल खत्म सा हो गया है, आसमान में बहुत अच्छे सितारे दिखाई देने लग गए हैं, चिड़िया दिखने लगी, चिड़ियों की आवाज आने लग गई है, पशु पक्षी की। तो ये हम एक, मैं यही संदेश के साथ में जरूर समाप्त करूंगा कि हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। हर इंसान एक एक संकल्प ले, भले ही वो सोचता है कि हर महीने में एक पेड़ लगाऊंगा, हर महीने एक पेड़ लगाए, पहाड़ों को नहीं काटने दे, नदियों को साफ रखे, बिल्कुल बिल्कुल सबको पता होता है प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको सीरियसली लेके करें जो हम ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी के साथ ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये हम अपने YouTube पे भी अपलोड करेंगे, आप इसे ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप 24 Network, विच इज़ वन वर्ड, 24 Network को डाउनलोड कीजिए, एंड आप हमारा प्रोग्राम्स 24 घंटे और आप हमारा FM सुन सकते हैं उस पर। सो स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, बी हेल्दी। मैं चलते चलते मैडम आपको भी मीडिया को स्पेशली थैंक्स आपको करना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा स्टूडियो बना के भिवाड़ी में एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी इसको और ऊंचाइयों पे लेके जाएं, और आपसे बहुत अच्छी एक सही समय पे सही खबर लोगों को मिलती है, ये एक आपका बहुत बड़ा अच्छा रोल है। और जो समाजसेवी संस्थाएं हम जैसे सब काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से उत्साहवर्धन भी होता है। मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि फोटो खिंचाएं या वीडियो बना के डालें, वो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को और को प्रेरणा भी मिलती है कार्य करने की। हाँ, बिल्कुल, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, ये मीडिया के थ्रू पता चलता है लोगों को क्या हो रहा है। तो इसी के साथ आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।